YouTube चैनल। सो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1A का। दिस इज बुक D1 सेवन्थ एडिशन। और इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर चुका हूँ, उसकी वीडियो अपलोड है। उसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे, कुछ बेसिक टॉपिक्स सिखाए गए थे। उसको ज़रूर देखें और फिर इसके ऊपर आएँ, बिकॉज इट्स लेक्चर 2। वो लेक्चर 1 था, लेक्चर 1 देख के फिर लेक्चर 2 पे आएँ, तो फिर आपको और ज़्यादा मतलब समझ आएगी। तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने जो कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं जो मेरे दिमाग में है कि वो मतलब मैंने लिखी हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें आप सीखेंगे फैक्टराइजेशन नंबर 1 कंफर्म, ये चीज़ मैं सिखाऊंगा इसमें, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद इंडेक्स नोटेशन, ठीक है, और कुछ टेक्निक्स, कुछ ट्रिक्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप वीडियो देखते हैं और अपने लिए नोट्स बना लेते हैं तो वो आप फॉर लाइफ अपने पास सेव कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं, वीडियोज़ ऊपर हैं, लेकिन लास्ट मेरा चैनल हैक हो गया, फिर सारी वीडियोज़ गई, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने नोट्स बना लें, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के साथ देखें ताकि वो भी सीखें और फिर आगे और ज़्यादा आपको हेल्प आउट कर सकें वो भी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन। अब सबसे पहले तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है, ठीक हो गया। अब पहले तो बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। फैक्टराइजेशन बेसिकली किसी भी चीज़ को उसके फैक्टर्स में ब्रेक करना। लाइक हमने इसे पिछली वीडियो में सीखा था कि अगर एक नंबर 8 है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है, जिस जिस के टेबल में आता है ये वो उसके फैक्टर्स होंगे। 1 के टेबल में आता है 8, 2 के टेबल में 4 टाइम, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में 2 टाइम, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, देन 8 के टेबल में। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है, और ये प्रोसेस, इसको ब्रेक करना फैक्टर्स में, फैक्टराइजेशन कहलाती है। तो ये तो फैक्टराइजेशन हो गई, लेकिन जब वो कहें कि प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करें इसको, तो प्राइम फैक्टर्स में जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि हमने इस नंबर को ब्रेक करना है सिर्फ प्राइम नंबर्स के साथ ही। सपोज हमारे पास प्राइम नंबर्स, पहले यहाँ पे लिख लें, प्राइम नंबर्स आपके पास क्या हैं, 2, 3, 5, 7, 9, 11, सो ऑन। इससे पहले लेक्चर में, लेक्चर 1 जो है उसके बीच में इसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन हुई है, तो आप वो वीडियो देखें तो आपको और आसानी होगी, ठीक है। तो अभी बात करते हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो फैक्टराइजेशन ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन, अब इसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना। तो प्राइम नंबर्स में कैसे करेंगे, आप 8 लिख लें, अब आपने इनको डिवाइड करना है सिर्फ प्राइम नंबर से ही। तो हमेशा पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करें, विल स्टार्ट विद द स्मॉलर प्राइम नंबर, देन ग्रेजुअली विल गो अप। सो अगर इसको चेक करना है आपने 2 से होता है कि नहीं, तो वो पीछे मैंने डिविजिबिलिटी रूल लेक्चर 1 में सिखाया है, वहाँ से सीखे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये नंबर 2 से डिवाइड होता है। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि पिछला लेक्चर ज़रूर देखें। 2 4s are 8, अगेन इट्स डिविजिबल बाय 2, 2 2s are 4, अगेन विद द टेबल ऑफ 2, ठीक है। सो ये जो नंबर्स आपके पास आएंगे ये प्राइम फैक्टर्स हैं, और इस ये सारा प्रोसेस जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आ गया इंडेक्स नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग, किसी भी चीज़ को लिखना किसी खास वे के अंदर उसको लिखना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इंडेक्स नोटेशन, मतलब वो कह रहे हैं कि इसका जो आंसर है उसको लिखें किस तरीके से, इंडेक्स फॉर्म में। इंडेक्स फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी इसको हम कहते हैं, पावर की शक्ल में। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ सीखी थी कि जब एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हों, जैसे 2 × 2 × 2, सब की पावर, अगर कोई पावर ना हो तो पावर 1 होती है। तो पीछे हमने डिविजिबिलिटी जब लेक्चर 1 किया था तो उसमें हमने सीखा था कि जब एक जैसी बेसिस मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हम इसको 2 × 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं, इट मींस कि ये होगा 2 × 3, इसको बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन। बस सिंपल, एक जैसी चीज़ें जितनी ज़्यादा हैं उनकी पावर्स को ऐड कर दें और आपका आंसर इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर, ये तो जस्ट एग्जांपल था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको काफ़ी चीज़ें और नहीं भी पता लगती जाएंगी जैसे जैसे मेरे दिमाग में आएंगी, इंशाल्लाह करता जाऊंगा। अब करते हैं ए पार्ट, ये आ गया ए पार्ट। इसको करने से पहले आप अपना डिविजिबिलिटी रूल रिवाइज कर लें लेक्चर 1 से, तो फिर आपको आसानी होगी। 72 है। अब हमने स्टार्ट करना है फर्स्ट प्राइम नंबर, हमारे पास 2 है, तो हमने चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता भी है कि नहीं। 2 से डिवाइड होता है ये, बिकॉज इट्स प्राइम नंबर, तो 2 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का तरीका क्या है, देखें 2 के टेबल में 7 चेक करें कितने टाइम आता है, 2 3s are 6, अब 6 आया, 1 बच गया, वो 1 इसके सामने लिखे हैं, तो ये 12 बन जाएगा।
2 6 are 12. अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप साइड पे डिवाइड भी कर सकते हैं। मैं फिर ये इवन नंबर है, ये 2 से होगा, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 are 2, 1 बचा हुआ इसके साथ लग गया, ये 16 बन गया, 2 8 are 16। अब फिर ये 2 से होगा, 2 9 are 18, अब ये 2 से नहीं होता, तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर जो है वो 3 है, तो अब 3 की बारी आ गई, तो ये 3 से होता है, 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब हमारे पास PF क्या है, प्राइम फैक्टर्स, यानी प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ऑल दीज आर प्राइम फैक्टर्स। ये तरीका यहाँ पे सीखे, LCM HCF हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आ गया अब इंडेक्स नोटेशन में, हमने लॉ ये था कि एक जैसी बेसिस की पावर ऐड होती है, इसकी भी पावर 1 1 1 1 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2, दैट इज़ आर आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, एक क्वेश्चन हमने कर लिया, इसी वजह से अगले क्वेश्चन होते जाएंगे, बस उनके ज़रा प्राइम फैक्टर थोड़े अजीब होंगे, तो वो आपको चेक करना पड़ेंगे। तो मैं अब ज़रा फास्टली करता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बी पार्ट आ गया, ये आ गया 187, ठीक है। अब 187 को हमने स्टार्ट करना डिवाइड, तो पहला प्राइम नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से चेक करना है, इन डिजिट्स को प्लस करें, ठीक है। ये हो गया 8 और 8 16, ठीक है, नहीं होता, क्योंकि 1 + 8 + 7 16 होगा, तो 16 भी डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, तो 3 का भी 5 से डेफिनेटली नहीं होता। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 2 are 14, 4 कह दिया, 47 नहीं होता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सीधा 11, 11 से चेक करना पड़ेगा, 11 1 are 11, 7 जाएगा, 11 7 are, हो जाता है 11 से, 11 1 are 11, 18 में से 11 गए, 7 बचे, वो 7 आगे लगेगा, 77 11 7 are 77। अब 77 itself is a prime number, so इसको 17 one time 17 ही लिखेंगे, तो इसकी इंडेक्स नोटेशन नहीं बनेंगे, इसकी सिंपल यही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडेक्स लिख नहीं सकते, पावर्स बनती नहीं है, तो हम कैसे लिख लें, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन ये भी हो गया, इसी वजह से अगर आप वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर दें तो फिर आगे आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को छोड़ दें, वैसे मेरा वॉच टाइम कम हो जाएगा अगर आप छोड़ देते हैं, तो चले कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है 3C पार्ट है, अगर आपको नज़र आ रहा है 336, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब देखिए 336 है, तो 336 जो है वो इवन नंबर है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका इवन है, तो ये पूरा नंबर, तो जो नंबर इवन हो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। अब वही सीन, 2 1 are 2, 1 बच गया इसके साथ लगेगा, 13 बन गया, 2 6 are 12, एक और बच गया इसके साथ, 2 8 are 16, 168 आ गया। अगेन इट्स अ प्राइम नंबर, सो विल डिवाइड इट बाय 2, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 84 इट्स अगेन अ प्राइम नंबर, सो 2 4 are 8, 2 2 are 4, फिर प्राइम नंबर, 2 2 are 4, 2 1 are, अब ये 21 आ गया, 21 डेफिनेटली डिविजिबिलिटी रूल लगा के चेक नहीं करना पड़ेगा, 3 के टेबल में आता है, 3 7 are and 7 1 time। इस क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा खुद से नंबर दे लेके प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब जो देखें इनकी पावर्स इकट्ठी हो सकती हैं बस, और किसी की नहीं होती, सो इट विल बी 2 raised to 4 3 × 7, ये हमारा आंसर होगा। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, क्वेश्चन की सारी सूरत हाल हमने क्लियर कर दी, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी थी, और उसके बाद हमने करना था इंडेक्स नोटेशन में आंसर, डन। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रही होंगी वीडियोज़, आजकल मेरी वीडियो वैसे तो मेरे सब्सक्राइबर ही चले गए सारे, तो इस वजह से अब लाइक भी कोई नहीं आता, तो बड़ा अजीब लगता, अदरवाइज़ बहुत लाइक्स होते थे वीडियो पे हमारे। डी आ गया हमारे पास 630, अगेन विद टेबल ऑफ 2, क्योंकि ये इवन नंबर है, जिसका लास्ट इवन नंबर हो पूरा नंबर इवन होता है, 2 3 are 6, 2 1 are 2, 2 5 are 10, वाह वाह वाह। अब ये इसके लास्ट पे, अब इसको 3 से पहले चेक कर लें, 5 से ये होता है, लेकिन पहले 3 से चेक कर लें, 5 6 6 और 3 9, 9 3 के इन डिजिट्स को प्लस किया मैंने, ठीक है। लेक्चर 1 में डिविजिबिलिटी रूल पे बहुत कंप्लीट, यानी बहुत अच्छे से डिस्कशन की गई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो 3 1 are 3, 3 0 are 0, और 3 5 are 15। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, देखें 3 1 are 3, 1 टेबल में नहीं आता 3 के, 3 0 are 0, अब ये 1 पूरा आगे जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा।
कई लोग इसको सिंपल 15 कर देते हैं, 3 1s 3 और 3 5s 16, इट मींस 15 टाइम। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है मैथमेटिक्स में। अब ये 3 से 5 और 1 6, फिर 3 से हो जाता है, 3 3s 9, क्योंकि फर्स्ट हम ग्रुप कर सकते हैं, डिवीजन में भी हम कर सकते हैं, और 3 3s 9, 1 आगे चला गया, 3 5s 15। अब ये 5 से ही होगा, 5 7s और 7 1s। अब ग्रुपिंग किसकी होगी, सिर्फ 3 की, 2 इंटू 3, मैं आपके लिए सारा करता हूँ, 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आ गया 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है वो भी सेम ऐसा ही है, फैक्टराइजेशन करके थोड़ा सा काम हमने चेंज करना है तो वो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो 10 मिनट की वीडियो हो गई है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज दानिश वसीम। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।